हाय गाइस, सो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए वापस से ब्रेड पकोड़ा एट आवर फेवरेट प्लेस. इसका नाम क्या है? योर नेशनल नेशनल. ये ब्रैम्पटन में है. यहाँ पर हम आए हैं खाने के लिए. ऐसा दिखता है ये, और सिर्फ हम ही हैं. और देखो हम कौन से व्यू के साथ ब्रेड पकोड़ा एंजॉय करेंगे. ये स्नो. अभी हम वेट कर रहे हैं अपने ब्रेड पकौड़े का, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. तो गाइस, अब आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट. हम खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, और हमने मंगाई है आलू की टिक्की विद दिस वेरी 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 टेस्टी ग्रीन चटनी. ये ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा यमी होती है. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे रेड चटनी इतनी पसंद नहीं है, बट ग्रीन चटनी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और अब हम वापस जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद घर. और रात से ही इतनी ज़्यादा स्नो है. इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट स्नो तो फुल ऑन है चालू रात से ही. और आई थिंक ये क्रिसमस तक ऐसा ही रहेगा. और स्नो है तो अब आपको अपनी प्रॉपर्टी में से स्नो हटानी भी होती है. तो अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर घर के बाहर से स्नो क्लीन कर रहे हैं अपने ऑफिस जाने से पहले, ताकि जब वो वापस आए तो इतनी ज़्यादा स्नो ना हो. बल्कि ये घंटे में ही वापस सेम हो जाता है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट. So yeah, he's just cleaning the snow. इतनी ठंडी में बाहर. और अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है. मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ इस व्यू के साथ. तो मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को सनसेट नहीं दिखाया, तो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है. और ये है मेरा व्यू. मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर बैठकर ग्रीन टी पीना, और मैं ऑलमोस्ट एवरी डे सनसेट की पिक्चर तो लेती ही लेती हूँ. और रात हो गई है, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है रात को सब कुछ स्नो के बाद भी. अभी तो स्काई एकदम क्लियर है. तो चलिए अब करते हैं डिनर की तैयारी. तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ सूप. विंटर में बेस्ट बेस्ट एंड माय फेवरेट डिनर होता है सूप पीना. तो आज मैं बना रही हूँ वेजी सूप. ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है इसकी, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा सूप है जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है. तो इसमें मैं ग्रीन अनियंस डालती हूँ, गार्लिक डालती हूँ, और जो भी वेजीज़ होती है. आज मैं इसमें डालने वाली हूँ रेड कैबेज और कैरेट और ग्रीन अनियन और गार्लिक, बस और कुछ नहीं डलेगा इसमें. थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, ताकि मैं सारी वेजीज को, गार्लिक को, ग्रीन अनियन, कैरेट, रेड कैबेज को सबको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ 2-4 मिनट के लिए, ताकि सब्जी का कच्चापन चला जाए. और बस उसको रोस्ट करने के बाद मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ. Now I'm adding my favorite sweet corn to this soup. This is like my favorite part of the soup. इससे सूप का बहुत ज़्यादा टेस्ट बेटर हो जाता है, और स्वीट कॉर्न तो सूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं.
तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी की ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, मुझे पर्सनली ज़्यादा लिक्विडी सूप ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पतला सूप पसंद है, ज़्यादा थिक नहीं पसंद है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा पानी डालती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं इसको थिक करती हूँ, तो वो मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट अभी बताऊँगी कि मैं इसमें क्या डालूँगी इसको थोड़ा थिक करने के लिए। तो पानी मैं आई थिंक इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी और फिर मैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी अपने सूप को थिक करने के लिए। तो या इतना मैं पानी लेती हूँ सूप के अंदर और इसको थोड़ी देर रखना होता है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। और ये है सीक्रेट थिंग जिसको मैं ऐड करूँगी, जो कि है ओट्स। आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल ओट्स लिए हैं और मैं बहुत कम क्वांटिटी इसकी डालती हूँ, जस्ट सूप को थोड़ा थिक करने के लिए, और पानी मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो ये रेडी हो चुका है सूप। दिखने में इतना ज़्यादा यमी लिशेस नहीं लग रहा है, बट टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें मैं सिर्फ नमक, पेपर, और अगर आपको ऊपर से इसमें बटर डालना है तो आप बटर डाल सकते हो, या जो भी आपका मन करे वो आप डाल सकते हो। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत 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 सारा प्यार करें। सो आई विल सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय।